एक कांडा बॉइल कर दे यार। काशी भाई मेरा बात सुनो यार। जी भाई, जी भाई। हीरो तो मैं बन गया। अच्छा, अब हमारा दिल करता है कि हमें कोई अच्छा सा उस्ताद मिले जिसके मैं भी जूते उठाए। आहा। लेकिन कोई उस्ताद महंगे जूते पहनता ही नहीं, उठाने का फायदा यार ये क्या बात है। हमारा उस्ताद जो जूते पहनता वो जुमे वाले दिन भी कोई नहीं उठाता। इस गल तो साबित होया कि तू हीरो नहीं, तू जूती चोर है। शक्ल दिखा ला। ये थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई लगता है जूती चोर शक्ल। आपका अंदाजा भी गलत है यार। अच्छा, हम जूती चोर नहीं, फिर हम जॉगर चोर। मैं ये कहना चाहता था काशिप भाई कि मैं एक मेथड एक्टर बनना चाहता। अच्छा। मैं चाहता हूँ मेरे को कोई ऐसा उस्ताद मिले जो मुझे कैरेक्टर में गर्क होना सिखाए। ओके, ते ओ की लोड़े, मेरे उस्ताद ना शिगिर्द हो जाए इंशाल्लाह फौरन गर्क। अच्छा। आपको आज एक ऐसे उस्ताद से मिलाते हैं जो सिर्फ आपके नहीं बल्कि हम सबके उस्ताद हैं। तो ख्वातीन औजात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। आज के जो पहले मेहमान हैं, मोस्ट सीनियर तरीन एक्टर हैं, फिल्म हो, टीवी हो, थिएटर हो, हर जगह आपने अपना लोहा मनवाया है। आप फन के ऐसे सूरज हैं कि जिनकी किरणों से हम जैसों ने बहुत कुछ सीखा है। आप हमारे प्राइड हैं, आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। पाकिस्तान ने जितने भी एक्टर पैदा किए आप उनमें से बेहतरीन एक्टर हैं। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली फिरदौस जमाल। क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो हमारी दूसरी सुपर सुपर मेहमान हैं, इनके गीतों से हमारी खुशियां नामुकम्मल तो हैं बल्कि इनकी आवाज जो है वो बहुत ही दुख भरों का कीमती असासा भी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहां जहां उर्दू समझी और बोली जाती है आपकी आवाज के बेपनाह फैन हैं। आपकी बहुत सी तालियों में प्लीज वेलकम दीवान एंड ओनली शासिया मंजूर। क्योंकि मेरा ख्याल है हर जनरेशन जो है वो आपकी फैन है। ये वाली जनरेशन, उससे पिछले वाली जनरेशन, उससे पिछले वाली जनरेशन, आपको लगता है कि इससे बड़ा कोई अवार्ड मिल सकता है किसी एक्टर को? क्योंकि हर जनरेशन जो है वो उसकी फैन है, इससे बड़ा कोई एजाज है? मैं नहीं समझता कि कोई भी अवार्ड, कोई भी एजाज जो है वो इस एजाज से बड़ा हो सकता है जब अल्लाह की मखलूक आपको पसंद करना शुरू कर दे। क्योंकि अल्लाह जब किसी पर मेहरबान होता है तो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। क्या बात है। कितना फन की खिदमत की है, तादाद कुछ याद है आपको? मैं असल में फितरतन बनिया नहीं हूँ। मैं बनिया, मैं गिना नहीं करता। ओके। है ना, वो जो होता है ना, जिस तरह अल्लाह की रहमत जो है उसका करम बेहिसाब है, मैं समझता हूँ मुझ पर भी अल्लाह का करम बेहिसाब है और मैं इसका हिसाब नहीं कर सकता। जब हम एक्टिंग की फील्ड में आए और एक्टिंग करना शुरू की तो यकीन कीजिए कुछ टारगेट्स रखे हुए थे कि इनके साथ काम करना है, इनकी सेटिस्फैक्शन लेनी है। तो उसमें फिरदौस भाई का भी एक टारगेट था और जिस दिन वो टारगेट मेरा अचीव हुआ उस दिन यकीनन मुझे भी लगा कि मैंने कुछ काम किया है, कुछ अचीव किया है। तो ये दिल से हमारे सीनियर हैं, इनके लिए जितनी भी ताली बजाए वो बहुत कम है। जवान रहने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ये बताइए कि आवाज को जवान रखने के लिए कौन सी तपस्या करती हैं आप, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी बैठी है, जब तक मैं उनका जिक्र ना करूं मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत बात है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी बैठी है, देखे जरा, हम दोनों यूनिवर्सिटी में बैठे हैं पता ही नहीं। हम कैसे खुश नसीब है, यूनिवर्सिटी भी देख रहे हैं और कॉलेज भी देख रहे हैं। माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी कॉलेज ते बार इमली वालियां रेडियां भी लगी। जी शाजी, आप बता रही थी। मैं जनाब ये बात कर रही थी, फिरदौस साहब बैठे हैं हमारे साथ और इस फन की दुनिया, फनकार मतलब फाइन आर्ट्स है, इसमें अगर आप इनका जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल में बहुत कमी रह जाती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं स्टेज पे इनके साथ बैठी हूँ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप शर्मिंदा कर रही हैं और इनसे मैं समझता हूँ कि आप खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत सुरीली हैं। ये एक तोहफा होता है जो
कुदरत की तरफ से आपको अता होता है। सुभान अल्लाह। और जरा मेरे उस्ताद नु नहीं मिले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा शादी जी एक बात जी है बहुत अच्छी गल है। वो सारी बातें ही बहुत अच्छी करेगी ये मेरे खिलाफ तो गल बहुत ही अच्छी लगती है आपके फुल गर्मी च रजाई लेके पित कढ़ाउण वाले आ यार पित कढ़ा के उसको मिलेगा क्या उसका रिटर्न तो बताओ। एक्चुअली ना ये पिकली हीट पाउडर का एजेंट है। अच्छा चाची जी एक बात बताइए कि एक वक्त था बसंत पे एल्बम रिलीज हुआ करती थी, ईद पे एल्बम रिलीज होती थी, अब वो सब चीजें कहीं पीछे रह गई हैं। हम तो उसको बहुत मिस करते हैं, क्या आप भी उस मोमेंट को मिस करती हैं कि जब आप तैयारी करके अपने एल्बम रिलीज हुआ करते थे उस जमाने में? देखिए काशिफ आप हर गुजरते लम्हे को मिस करें अगर आपको अच्छा गुजरता है। मुझे वो चीज़ें बहुत याद आती हैं और मैं उनको हमेशा फैंटेसाइज करती हूँ। वो जो वायलेंस बज रही हैं और ढोलक बैठे हुए हैं सारे और म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं और म्यूजिक डायरेक्टर बैठा हुआ है, लिरिसिस्ट बैठा हुआ है, आप काम कर रहे हैं, बसंत पे गाने लग रहे हैं, रौनक लगी हुई है, गुड्डियाँ उड़ रही हैं, कलरफुल माहौल। उस महफिल की एक हल्की सी याद जो है अगर आप हमें गुनगुना के इस वक्त सुनाते हैं आपकी बात आपकी इजाजत से और आप लोगों की इजाजत से और फिरदौस साहब आपकी इजाजत से एक गाना था मेरा तेरी आंखों ने लूटा है खिलौना फिल्म का। अत्रे साहब का म्यूजिक था अभी आपने कहा काशिफ अत्रे मुझे बड़ा अच्छा लगा तो वो गाना मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको जीत के मैं तो गई ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको जीत के मैं तो गई हाँ। जी क्या बात है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे सेहत दे। मैं आपको एक एजाज देना चाहता हूं। आप शाजिया मंजूर को एक एजाज देना चाहते हैं? जी जी इन्हें दी कब्र से पहली स्लैप हो रखेंगे और मरे नहीं। मैं शाजिया जी को एजाज देना चाहता। अच्छा दें, क्या एजाज देना चाहते हैं आप उनको? हम भी देखें। मैं चाहता हूं कि मैं और आप मिलके सिंधी बिरयानी बेचे। ओए 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 सड़े मुंह वाले यार। अच्छा देखो क्या अकाउंट दिया मैं चाहता हूं कि मैं और आप मिलके एक एल्बम बनाएं और बड़ी ईद पे रिलीज कर दें। नहीं तो इसमें एजाज क्या है ये, यानी कि मैं भी वो तो इनकी बेइज्जती है। चले खवातीनों इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।